नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त MKS माईसैनी। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है परिभाषा सारी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एनाटॉमी के सिलेबस वाइज PDFs, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरीके से आपको स्टडी करना है, क्या स्टडी करना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा टॉपिक को ज़्यादा महत्व देना है, ये सब हम बात कर रहे हैं। तो लेक्चर्स वीडियो में आपको बाद में उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन अभी जो मोस्ट मोस्ट है, अच्छा अच्छा है, मतलब क्विक लेक्चर के तौर पे, गाइडेंस लेक्चर के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ। सिलेबस भाई आपको नोट्स भी उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है परिभाषा शरीर। हम शारीरिक उपकरण में शारीरिक की पहले बात कर चुके हैं, पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि एनाटॉमी के दो पेपर होते हैं, तो एनाटॉमी के फर्स्ट पेपर में पार्ट ए 50 नंबर का आयुर्वेद पोर्शन होता है, तो हम इसी के बारे में बात करें। तो फर्स्ट क्लियर हो गया। अब सेकेंड की बात करते हैं, परिभाषा शरीर। कूर्च, कंडरा, जाल, अस्थि संघात, अस्थि सीमंत, सिवनी, रज्जु, स्नायु एंड लसिका, ये है सिलेबस के अनुसार। तो इन सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन लेक्चर्स वीडियो की बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या स्टडी करना है, क्या अपन को क्या देखना है, और परिभाषा शरीर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम बात करेंगे क्विक लेक्चर के तौर पर, ठीक है। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके अदर्स ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पे आपको फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आपको एनाटॉमी के अलावा BMS फर्स्ट ईयर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबके वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाइए। वहाँ पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस तरीके से एनाटॉमी का आप वीडियो देख रहे हो उस तरीके से आपको अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे आपको वहाँ पे, मतलब एवरीथिंग। जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनके लिए पास होने की तरीके भी बताए हैं मैंने, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट है, उनके लिए जो गुड मार्क्स कैसे लेके आते हैं उनके तरीके बताए, हर तरीके की वीडियो आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। तो प्ले लिस्ट चेक करना एक बार, प्ले लिस्ट देखना। तो VMS फर्स्ट ईयर लेके VMS फाइनल ईयर तक के वीडियो में आपको वहाँ पे उपलब्ध मिलेंगे प्ले लिस्ट में, क्योंकि यहाँ पे आपको ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती। तो वीडियो शुरू करते हैं, परिभाषा शरीर। दोस्तों देखो, अध्याय 2 सिलेबस अनुसार परिभाषा शरीर। कूर्चा, कंडरा, जाल, शुरुआत हम तीन की बात करते हैं। कूर्चा, ये है टर्मिनोलॉजी, एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजी। जब आप आगे जाके सेकंड ईयर में, चाहे आप क्लास में जाके, जब मर में कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ोगे डीपली एनाटॉमी को, तो इन टर्मिनोलॉजी का यूज होगा। कूर्चा, कंडरा, अस्थि संघात, सीमंत, सिवनी, ये सब क्या है, ये 7 या 9 है, मतलब परिभाषा शरीर में अपने सिलेबस में 9 लाइन है। मतलब जैसे कि कूर्चा, स्नायु धमनि के सन्निपात को कूर्चा कहते हैं। कूर्चा इच्छाएँ होती हैं, इनमें हाथ में 2, पाद में 2, गिरवा में 1 और मेड्र में 1 होती है। अब मेड्र क्या है, सीशन है, ये सब बातें हम लेक्चर सेशन में बात करेंगे, एक एक कोटेशन, हिंदी कहाँ पे है, गिरवा क्या है, मेड्र क्या है, ये सब हम लेक्चर सेशन। लेकिन आपको अभी क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये परिभाषाएँ आपको याद होनी, अगर आपके ये संस्कृत का कोटेशन याद होता है तो अच्छी बात है, करनी चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए कि हमको कोटेशन याद होनी चाहिए। लेकिन अगर यही नहीं भी होता है, आप किसी भी मीडियम से हो, हिंदी से हो चाहे इंग्लिश से हो, तो इंग्लिश के मीडियम वाले को इसको इंग्लिश में याद कर लो, इंग्लिश में लिख दो, हिंदी वाले हिंदी में याद रख लो, संस्कृत कोई जरूरी थोड़ी कि संस्कृत ही याद करो, लेकिन आपको याद होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल तो याद होना चाहिए। इसी तरीके से कंडरा है, जाल है, अस्थि संघात है, तो आपको पहले क्वेश्चन याद होना चाहिए। क्वेश्चन किस तरीके से, मत क्वेश्चन आते हैं आपको इस टॉपिक से 2-2 नंबर के, 5-5 नंबर के। 5 नंबर का आएगा तो एक टॉपिक आएगा कि अस्थि संघात और अस्थि सीमंत में अंतर बताइए, ठीक है, या फिर स्नायु में, अगला टॉपिक इसका स्नायु भी है, देखो नीचे आगे स्नायु के बारे में लिखिए, तो 5 नंबर में आ गया। 2 नंबर में आता है तो सेवनी की परिभाषा लिखिए, सेवनी कितने प्रकार की होती हैं उनके नाम लिखिए, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन बनने के तरीके हैं। जैसे आ गया कूर्चा, कूर्चा की परिभाषा लिखिए, कूर्चियाँ कितनी होती हैं और कूर्चियाँ कहाँ पाई जाती हैं, हो गया ना 5 नंबर में। ये तो लग रहा तो आपको एक लाइन हुई है, लेकिन आपको अब ये कुर्सियाँ की परिभाषा लग दी, फिर दूसरी लाइन कुर्सियाँ 6 होती हैं, उनमें से हाथ में 2 होती हैं, पाद में 2 होती हैं, इस तरीके से लाइन बना बना के आप 5 नंबर का मेटेरियल बना सकते हो। देखो आपको ये लगती होगी एक एक लाइन की, लेकिन काफ़ी अगर आप एक एक लाइन को ध्यान से देखोगे तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। सिंपल एंड स्वीट तरीके से मैंने ये बुक ढूंढी है, अच्छी है बुक है, तो इसी बुक से मैंने PDF बनाई है और आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। तो इस PDF का क्या है कि परिभाषा शरीर में आपको 9 परिभाषाएं हैं, कूर्चा, कंडरा, अस्थि संघात, अस्थि सीमंत, सेवनी, स्नायु, मांसरज्जु, ये लसिका, ये इनकी बारे में आपको परिभाषा तो याद होनी चाहिए। कितनी है, 9 परिभाषाएं हैं, तो 9 इनके कितने भेद हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इतना आपको याद होना चाहिए। परिभाषा में कोई शॉर्ट टर्म नहीं है कि ये छोड़ दूँ कि ये कर लूँ, या
सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्योंकि लिमिटेड आपको सिलेबस में लिमिटेड ही ऐड किए हैं, नहीं तो ऐड किए हैं, तो इसमें से मैं आपको कुछ ऐसा नहीं कि ये छोड़ दो ये लेफ्ट कर दो, नहीं आपको सब याद करनी है। आपको अगर मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो आप कोटेशन याद करने की कोशिश करना, लेकिन कोई खास ज़रूर नहीं है कोटेशन याद करना, लेकिन आपको हिंदी में आपको याद होनी चाहिए, संख्या इनकी याद होनी चाहिए परिभाषा के साथ साथ। सेवनी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है सेवनी की संख्या और सेवनी की परिभाषा, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी ये पूछा जाता है। तो इसमें सेवनी फिर भी मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, और स्नायु, क्योंकि स्नायु बार बार रिपीट होता है, फिजियोलॉजी में भी आएगा और एनाटॉमी में तो है ही। खैर स्नायु का पूरा है कि स्नायु की संख्या कितनी है, स्नायु की उत्पत्ति कैसे है, स्नायु की परिभाषा क्या है। तो स्नायु और सेवनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट बताएं। अब अगला है स्नायु के देश जितने भी हैं, वृत्त स्नायु, सुषिर स्नायु, क्योंकि मैं स्नायु पहले ही इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ। अब यह लसिका, लसिका के बारे में कभी क्वेश्चन आ जाता है दो नंबर में, लेकिन कभी मोस्टली नहीं आता है लसिका के बारे में, लेकिन एक बार हिंदी में आपको इसको या आप इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जैसे आपको स्टडी करना कर सकते हो। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मेरे 5 यूट्यूब चैनल हैं, इंडियन आयुर्वेद डॉक्टर, एडमिशन अलर्ट ब्लॉग, टीच विद MKS, MKS न्यूज़ पॉइंट एंड MKS माइसेन। मैं इन 500 चैनल पर काम करता हूँ, बहुत से चैनल पर मैंने काम कम कर रहा है, जैसे अभी इंडियन आयुर्वेद डॉक्टर और एडमिशन अलर्ट ब्लॉग में मैं काम कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, इन पर अभी मैंने थोड़ा स्टॉप कर रहा है क्योंकि टाइम की कमी है। तो आप इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जब टाइम स्टार्ट होगा इन पर भी काम करेंगे अपन। आई होप आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे वीडियो, इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक हैं, उन लिंकों को चेक करते रहना चाहिए आपको, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आयुर्वेदा से अपडेट में Instagram पे अपडेट देता रहता हूँ। आई होप काफ़ी हेल्पफुल हो रहेंगे, जो भी सजेशन कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबाना। बाय।